हाय क्वींस, कैसी हैं मेरी सखियां, मेरी क्वींस। आज है संडे का दिन और क्योंकि संडे के दिन मेरा दिन पूरा नहीं होता है जब तक मैं तुम लोगों से बात ना कर लूं, आप सभी से मिल ना लूं, अपने मन की बात आप लोगों को बता ना लूं। इसीलिए आज बीमार होने के बावजूद, बीमार कैसे, गले में इतनी खराश थी कि ऐसा लग रहा था शब्द बोले नहीं जाएंगे, शायद मेरी क्वीन समझ नहीं पाएंगी। लेकिन फिर मैंने अपनी ही कही हुई बात जो मैं क्रिया करती हूँ, जिस दौरान मैं बोलती हूँ कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन भी नहीं, उस क्रिया के दौरान मैंने कहीं ना कहीं ये बात समझी कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। और जो कॉन्शियसनेस अपने ही हिस्से यानी कि तुम्हें जो चीज बताना चाहती है, जो चीज तुम तक पहुंचाना चाहती है, वो पहुंचाकर ही रहेगी। इसीलिए कहीं ना कहीं ये बात मेरे अंदर इतनी ज्यादा अंदर तक जज्ब हो गई कि मुझे लगा कि कुछ भी हो मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए और अपनी क्वीन से आज बात करनी चाहिए। तो मैंने तुरंत से फ्रेश हुई ताकि ये चेहरा भी चमकता रहे और आप लोगों तक भी मेरा एंथुजियास्टिक मैसेज पहुंचे। क्वींस, जितना ज्यादा हम अपने आप को इस बात का रियलाइजेशन कराते हैं कि हम ये शरीर और ये मन दोनों ही नहीं हैं, हम इससे परे हैं, क्योंकि हम इन दोनों को ही आंखें बंद करके देख सकते हैं, टटोल सकते हैं। और जिस चीज से हम अलग होकर उसे देख पाए, टटोल पाए, उसे ध्यान से रख पाए, एक अलग दृष्टिकोण से उसे महसूस कर पाए, हम वो चीज खुद नहीं हो सकते। वो चीज हमारा हिस्सा जरूर हो सकती है, जैसे कि हमारे कपड़े, हमारे बाल, हमारा मेकअप का सामान, हमारे बैग्स, हमारे बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें बहुत दिल के करीब हैं, वो हमारा हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन वो हम नहीं हैं। बिल्कुल वैसे ही ये शरीर और ये मन भी हम नहीं हैं। और जितना ज्यादा हम इस सच के नजदीक पहुंचते हैं, इसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करवाते हैं, उतना ज्यादा हम अपने आप को बार बार मन की हर्टिंग, मन जो विचलित हो जाना, दुख दर्द जो मन से जुड़े हुए हैं, हर तरीके का इमोशन जो मन से जुड़ा हुआ है, जो हमें तकलीफ पहुंचाता है, उससे दूर होते चले जाते हैं। शरीर के हर कष्ट को हम एक खिलवाड़ की तरह देखना शुरू कर पाते हैं, बस एक होना जो हो रहा है, घट रहा है शरीर के साथ, लेकिन वो हमारे अंदर तक को, हमारे अंतर को डिस्टर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि हम ये बात समझ चुके होते हैं, इस बात को जीना शुरू कर देते हैं कि हम ये शरीर और मन नहीं हैं। आज के हमारे इस प्रीमियर वीडियो में मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं अपनी सभी उन क्वींस तक पहुंचूं या एक बहुत अहम बात आप सभी तक पहुंचाऊं जो अभी भी अध्यात्म में घुसने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, अध्यात्म को समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ये अध्यात्म है क्या, स्पिरिचुअलिटी क्या बार बार ईश्वर का नाम लेना है, क्या स्पिरिचुअलिटी बार बार मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारे जाकर बैठना है, क्या स्पिरिचुअलिटी अपने आप से बात करना है, खुद को टटोलना है, या खुद के अंदर जो प्रेजेंट गलत चीजें हैं जैसे गुस्सा, जैसे घृणा, इन सब चीजों से मुक्ति पाना है, है क्या स्पिरिचुअलिटी। चलिए आज मैं आप सभी के साथ ABCD ऑफ स्पिरिचुअलिटी शेयर करना चाहती हूँ, ताकि ये कहीं ना कहीं हम सभी को मदद करे सही रास्ते पर आगे बढ़ने में, सही तरीके से जीवन को समझ कर जीने में, जैसे इसने मेरी मदद करी। क्वींस, सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी को भी जानने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे चारों तरफ जो भी कुछ घटता है, हमारे अंदर जो भी कुछ हैपनिंग्स होती हैं, हमारे बॉडी में, हमारे एनवायरनमेंट में, वो सब कुछ आवृत्ति यानी कि वाइब्रेशंस के फॉर्म में होती हैं। सब चीजें, यहाँ तक कि मैं जो ये बोल रही हूँ और तुम्हारे कानों तक पहुँच कर ये शब्दों में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी एक वाइब्रेशन है। हमारे शब्द, हमारी भाषा वाइब्रेशन होती है। इवन जो चीजें हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो भी, जैसे कि आप मेरे पीछे एक सफेद वॉल देख रहे हैं या
प्लांट्स देख रहे हैं रखे हुए, तो प्लांट्स भी हमें क्यों हरे भरे दिखाई देते हैं? क्योंकि ये बाकी सारी वाइब्रेशंस या बाकी सारी जो रिफ्लेक्शंस हैं लाइट की, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, केवल हरा रंग रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि केवल हरे रंग की वाइब्रेशन प्लांट्स रिफ्लेक्ट कर हम तक देते हैं और हमारी आंखें उन वाइब्रेशंस को कैच कर लेती हैं, और उसी तरीके से हमें पता चलता है कि एक चीज ऐसी दिखती है या इस रंग की है, दूसरी चीज से अलग है, पहली चीज से अलग है, और वो अलग रंग की, अलग शेप की। इस तरीके से इवन हम लोग एक दूसरे को भी ऐसे ही पहचानते हैं, क्योंकि हमारे शरीर कुछ चुनिंदा वाइब्रेशंस वापस रिफ्लेक्ट करते हैं और बाकी सारी वाइब्रेशंस हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरीके से पता चलता है कि ये इंसान ऐसा दिखता है, ये चीज ऐसी दिखती है, ऐसा महसूस होती है। इवन टच इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। जब हम किसी चीज को महसूस करने के लिए हाथ लगाते हैं या अपने शरीर से बाकी अंगों से किसी भी चीज को महसूस करते हैं, जब हम कहीं बैठे होते हैं तो हमें पता लगता है कि हम बैठे हैं, क्योंकि जमीन की जो वाइब्रेशंस हैं वो हम अपने शरीर पर कैच करते हैं और हमें पता चलता है, हमारे टैक्टाइल रिसेप्टर्स को पता चलता है कि हाँ, कहीं पर बैठा गया है ये शरीर। इसी तरीके से हमारे पांचों सेंसेस वाइब्रेशंस के बेसिस पर काम करते हैं। इवन हमारे शरीर के अंदर अंग प्रत्यंग में वाइब्रेशंस एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि आप एक तरह से ह्यूमन बॉडी को एक हॉलो ट्यूब की तरह भी समझ सकते हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरीके की वाइब्रेशंस रन कर रही हैं। जिस तरीके की वाइब्रेशंस रन करेंगी, शरीर अपने अंदर उन्हीं वाइब्रेशंस को और बढ़ावा देगा और अपने चारों तरफ भी वैसी ही वाइब्रेशंस इकट्ठी करने की कोशिश करेगा। सिंपल। अब ज्यों कि हमें पता है कि सारा संसार, हर चीज, हर हैपनिंग हमारे चारों तरफ वाइब्रेशंस के फॉर्म में है, तो हम आध्यात्म को वाइब्रेशन सुधारने के एक यंत्र या वाइब्रेशन सुधारने की एक क्रिया की तरह भी समझ सकते हैं। कोई भी एक ऐसी चीज जो हमारे अंदर के वाइब्रेशंस को सुधारे या उन्हें अपलिफ्ट करे, उन्हें सशक्त करे, उन्हें अच्छाई की तरफ या कहिए शांति की तरफ, सुंदरता की तरफ मोड़े, उन्हें रिलैक्सेशन की तरफ मोड़े, वो चीज आध्यात्मिक चीज मानी जाएगी या वो क्रिया आध्यात्मिक क्रिया कहलाएगी। और इस तरीके की जीवन शैली जो हमारे अंदर की आवृत्तियों को, वाइब्रेशंस को, हमारे अंदर की कंपन को और ज्यादा सकारात्मक, पॉजिटिव या शांतिमय बनाती चली जाती है, वही जीवन शैली आध्यात्मिक जीवन शैली कहलाती है। और आज हम आध्यात्मिक जीवन शैली के कुछ चुनिंदा पॉइंट्स भी सीखेंगे, यानी कि हमारे शरीर, हमारे बॉडी के अंदर तीन बहुत ही सक्रिय पॉइंट्स होते हैं और उन्हें अलग अलग तरीके की साउंड्स यानी अलग अलग तरीके की आवाजों से जागृत किया जाता है और आवृत्तियों को उन पॉइंट से जो लिंक्ड अप वाइब्रेशंस होती हैं, जो हमारे पूरे शरीर को संचालित करती हैं, हमारी मनस्थिति को कंट्रोल करती हैं, कि हम कितने ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो सकते हैं और कितने कम रिएक्टिव हो सकते हैं, यानी कि हमें बात बात पर गुस्सा आना, बात बात पर चिड़न होना, दूसरे लोगों के प्रति इरिटेशनल भाव या घृणा महसूस करना, वो कैसे कम किया जा सकता है, इन तीनों पॉइंट्स को एक समभाव के साथ उच्चारण किए गए शब्दों द्वारा, वो चीज आज हम सीखेंगे। वो तीन पॉइंट्स क्या क्या हैं? पहला पॉइंट होता है हमारी नाभि, यानी कि पेट का सेंटर। नाभि पर ज्यादातर हर प्रतिक्रिया, जो भी हमारी शरीर की प्रतिक्रिया शुरू होती है या अंत होती है, वो यूजुअली ओरिजिनेट नाभि से करती है। इवन इस बात का अगर हम लोग एक साइंटिफिक मोटिव देखें, तो बच्चा भी अपनी माँ से, नाभि से लिंक्ड होता है ना? अम्बिलिकल कॉर्ड जो हमारी है, जो हमारे क्या कहते हैं, जब हम एक छोटे से अणुओं का गुच्छा होते हैं, वहां से लेके जब हम एक पूरी ह्यूमन बॉडी के शेप में आ जाते हैं और फिर अपनी माँ के पेट से, गर्भ से बाहर आते हैं, तो हम भी अम्बिलिकल कॉर्ड जो नाभि से कनेक्टेड है, वहां से जुड़े होते हैं अपनी माँ के साथ, सृष्टि के साथ। तो
नाभि जो एरिया है उसे हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में साइकोसोमैटिक एरिया भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गुच्छा होता है जो शरीर में फिजिकल शरीर के तत्वों को और सेंसरी यानी कि दिमागी शरीर के तत्वों को आपस में मिलाता है। इस तरीके का कनेक्शन होता है नाभि के अंदर। और जब हम नाभि से जुड़ी हुई एक एक्सरसाइज जो मैं आपको आज बताऊंगी वो करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने फिजिकल शरीर और मेंटल शरीर के बीच के तालमेल को बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण हम और ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, या कहिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। जो भी हम कहते हैं, करते हैं, सुनते हैं, जहाँ जाते हैं, जहाँ बैठते हैं, जिन जिन लोगों के साथ हमारा कम्युनिकेशन बैठता है, हम हर चीज़ बहुत ही रिस्पॉन्सिबली कैरी करना शुरू करते हैं, यानी कि सोच विचार करके बहुत ही ध्यान पूर्वक हम अपनी क्रियाओं को आगे बढ़ाते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, जो न केवल हमारे लिए पर्सनली लाभदायक है, बल्कि दूसरों के लिए जो हमसे जुड़ी हुई लाइव्स हैं उनका भी उत्थान करने में हेल्पफुल रहता है। दूसरा पॉइंट होता है हमारे छाती के नीचे का पॉइंट, जहां पर ज्यादातर जब हम लोग उदास होते हैं या इमोशनली डिस्करेज्ड होते हैं, डीमोटिवेटेड होते हैं, यानी कि हमारे छाती पर कोई भार होता है। हम लोग आम भाषा में इसे बोलते भी हैं कि आज मेरी छाती बहुत भारी हुई है, यानी कि छाती पे एक भार सा है, एक बोझा है, जैसे कि दिल पर एक पत्थर सा हो, है ना, आम भाषा में बोला जाता है। इसका यही कारण है क्योंकि इस पॉइंट पर, छाती के जस्ट नीचे के पॉइंट पर, हमारी सारी मांसपेशियों का तालमेल होता है और आध्यात्मिक तौर पर उस पॉइंट पर हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं, हमारे जितने भी भाव होते हैं, चाहे वो घृणा का, गुस्से का, प्यार का, चाहे वो उदासी का, दुखीनता का, हीन भावना, चाहे किसी भी तरह का भाव हो, वो वहां से उत्पन्न होता है, हमारे छाती के जस्ट नीचे के पॉइंट से। एंड इसीलिए इस इमोशनल जो हमारा एक बैगेज है, जो हमारे दिल के ऊपर, छाती के ऊपर रखा होता है, उससे निजात पाने के लिए हमारी आज दूसरे भाव की क्रिया रहेगी। और तीसरा पॉइंट होता है जो कि बहुत ही जरूरी, बहुत ही सुंदर पॉइंट है, वो है हमारा गला। हमारे गले के अंदर हमारी सबसे जरूरी फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन छुपी होती है, हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा, जो शब्द जिनका हम उच्चारण करते हैं। तो यही भाषा, यही लैंग्वेज हमारे ना केवल हमारी शरीर को, जैसे हम हैं आज, जैसे तुम आज हो, वैसा बनाती है, बल्कि हमारे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो भी कहीं ना कहीं हमारे शब्द जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। इसीलिए इस पॉइंट के लिए हमारा तीसरे नंबर की क्रिया होगी जो आज हम करेंगे। ये तीनों क्रियाएं हम एक साथ कर सकते हैं, बल्कि एक साथ ही करनी चाहिए, और तीनों क्रियाओं को अगर हम सुबह सुबह भोर के समय करें तो क्या ही कहने हैं। साथ साथ उगता हुआ सूरज और साथ साथ ये क्रिया सूर्य की तरफ फेस करके, यानी ईस्ट फेसिंग करके, किसी भी आसन पर आराम से चौकड़ी मार के, अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए अपने जांघों पर, और इस क्रिया को हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं ये क्रिया, और मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग इस क्रिया को लगातार 90 दिनों के लिए करें। कम से कम सुबह उठकर एक बार अगर दिन में आप ये पूरी क्रिया कर लेंगे 90 दिनों के लिए लगातार, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके शरीर की सारी वाइब्रेशंस बहुत ही ज्यादा प्योरिफाई हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने लगेंगी, आपके विचारों का जो सिस्टम है वो घाचल माचल होने की बजाय, बहुत ज्यादा आपस में उलझने की बजाय, बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से अलग अलग होकर आपके सामने स्पष्ट रूप से आने लगेगा, आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली मिलने लगेंगे, और साथ ही साथ आपकी सेहत भी पहले से बेटर हो जाएगी। हाँ तो चलिए बिना देर करे हम लोग इस क्रिया को जाने और सीखे। इस क्रिया में अपनी कमर सीधी कर, दोनों हथेलियां ऊपर की ओर उठा, आंखें बंद करके बैठिए। पहली क्रिया नाभि के लिए, अपना मुख हल्का खोल, स्वर का उच्चारण होगा। दूसरी क्रिया छाती से नीचे के हिस्से के लिए, अपने मुख को गोलाकार ओ
की तरह खोल ओ स्वर का उच्चारण होगा। तीसरी क्रिया गले के लिए अपने मुंह को बंद कर स्वर का उच्चारण करना है। ये तीनों स्वर 7 बार उच्चारण करेंगे।
आखिर में धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए इस क्रिया का अंत करना है। ये क्रिया करने के बाद आपको सच में महसूस होगा जैसे आपके अंदर की उथल पुथल काफी हद तक शांत हो गई है और धीरे धीरे आप और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनने लगेंगी। अगर आपको इस क्रिया से फायदा हुआ जो कि 90 दिन तक लगातार करने से होगा तो आप मुझे जरूर से बताइएगा और साथ ही साथ इस क्रिया के बारे में आगे भी जागरूकता फैलानी है। जितना हो सके हमारे वीडियोस को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए क्वींस। अगर तुम्हें मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, ये अध्यात्म से जुड़ी हुई साधारण भाषा में बताई गई बातें समझ आती हैं और जीवन को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं, तो जरूर से वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर जाकर और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाओ। Facebook पर हमारा बहुत बड़ा परिवार है जहां मात्र लाइक करके या फॉलो करके भी आप क्वीन द मेकिंग का डॉक्टर शिवांगी मलेटिया का हिस्सा बन सकती हैं। साथ ही साथ Instagram और Twitter पे भी मैं आती रहती हूँ जहां पर आप मुझे फॉलो कर मेरे साथ पर्सनल चैटिंग भी कर सकती हैं कई बार। साथ ही मेरी सासू माँ का भजनों का चैनल है श्रीमती शकुंतला देवी के नाम से। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल पर आकर भजन देखेंगी व उस शांति को आभास करने की कोशिश करेंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रीमियर वीडियो पर आकर लाइव चैट करने के लिए। साथ ही साथ इन वीडियोस के लिंक्स भी आगे बढ़ाने हैं व्हाट्सएप के थ्रू या कैसे भी शेयर कर ताकि यही प्यार और शांति भरी बातें और ज्यादा क्वींस तक फैलें। आई लव यू ऑल। अपना ध्यान रखना और अपना पूरा ध्यान केवल अपने ऊपर फोकस करके रखना, इसी से ही तुम्हारी दुनिया बदल सकती है और सुंदर हो सकती है। बाय।